गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे पढ़ना चालू कर रहे हैं अपन लोग। मेरी बात सुनिए, अपन लोग सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, स्कोप ऑफ सप्लाई, कि भाई जीएसटी सप्लाई पे लगता है और सप्लाई में क्या क्या आएगा। उसमें दो बातें पढ़ी थी, सेक्शन 7(1) और 7 सबसेक्शन 2। 1 में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या आएगा और 2 में पढ़ेंगे क्या क्या नहीं आएगा। और 1 में क्या पढ़ा था, क्या क्या आएगा अगर आप क्लॉज ए और बी या सी में कवर होते हैं, है ना। तीनों में से कोई भी क्लॉज आप पे लागू होगा तो आप समझ जाना कि हम पर क्या लगेगा, जीएसटी। क्लॉज ए क्या था, बिजनेस प्लस कंसीडरेशन। क्लॉज बी क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसीडरेशन। बिजनेस वर्ड इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब क्लॉज बी में अगर बिजनेस ना भी हो, सर्विस इंपोर्ट हुई पैसे लिए, पर्सनल सर्विस भी होगी तो भी जीएसटी लगेगा, क्लियर। और क्लॉज सी, क्लॉज सी में अपन ने क्या पढ़ा था कि एनी एक्टिविटीज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। वो शेड्यूल 1 क्या है वो आज अपन पढ़ने भी जा रहे हैं, ठीक है। क्लॉज ए के अंदर गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होता है, इसकी सारी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो और खूब डेफिनेशन है वो अभी मीन बाय पढ़ते जाएंगे अपन। अब अपन आगे चल रहे हैं बच्चों क्लॉज सी की तरफ। क्लॉज सी में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि बच्चों देखो क्लॉज सी की जरूरत क्या पड़ी। मैंने आपको कहा था कि क्लॉज ए अपने आप में इतना खतरनाक है कि कोई भी बंदा सप्लाई की डेफिनेशन से नहीं बच सकता, और अगर सप्लाई की डेफिनेशन से बच नहीं पाया क्लॉज ए की वजह से तो जीएसटी लगेगा। लेकिन क्लॉज सी की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं क्लॉज ए सफिशिएंट नहीं है। क्लॉज ए क्या कहता था, बिजनेस प्लस कंसीडरेशन। जो बंदा अपने बिजनेस करेगा पैसे लेगा, बात खत्म, उस पर क्या लगेगा, जीएसटी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर बिजनेस के साथ साथ कंसीडरेशन कर पड़ा था पैसे लोगे, इसका मतलब मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और आपसे पैसे नहीं ले रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा, यही बात हुई है ना। लेकिन आपसे पैसे नहीं ले रहा, गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं। गवर्नमेंट कहती है हाँ ट्यूशन पढ़ाना है, मान लो ये यूट्यूब पे पढ़ा रहा है वगैरह पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा तो रहा है तो इसका बिजनेस, पैसे नहीं ले रहा बच्चों से, तो गवर्नमेंट कहती है छोड़ो जीएसटी मत लो, पैसे ही नहीं ले रहा। लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट को आ जाता है मेरे ऊपर डाउट कि नहीं इस केस में ये बंदा पैसे नहीं ले रहा, फिर भी इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे के अंदर कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, और ऐसे ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने नोटिस किया, पकड़ा और उन ट्रांजैक्शंस में कहा कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन ट्रांजैक्शन में बिना पैसे लिए भी वो बंदा बिजनेस कर रहा है। मतलब एक चीज बात ढंग से सुनना, पर्सनल ट्रांजैक्शन में पैसे मत लो, बात खत्म, कभी जीएसटी नहीं लगेगा। घर वालों को छोड़ दिया, घर वालों को कोई काम निकाल दिया, वो सब एग्जेम्प्ट है, लेकिन मेरा बिजनेस भी है, मेरा ट्यूशन पढ़ाना मेरा बिजनेस भी है, बच्चे से पैसे नहीं ले रहा, फिर पता चला पैसे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो बंदा मेरा रिलेटिव निकल गया, मेरा रिश्तेदार है, तो गवर्नमेंट ने कहा अरे रिश्तेदार है क्या पता चुपचाप पैसे लेके रसीद ही नहीं काटी हो, तो वहां गवर्नमेंट को डाउट आता है और गवर्नमेंट कहती है नहीं ऐसे कुछ ट्रांजेक्शंस को रोकना पड़ेगा। रोकना का मतलब है जीएसटी लेना पड़ेगा, और उन ट्रांजेक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 1 बनाया। तो मैं ये आपको क्लॉज सी बताने जा रहा हूं। ये क्लॉज सी कहता है कि इन चार ट्रांजेक्शन के अंदर, इन चार ट्रांजेक्शन में अगर कंसीडरेशन ना भी हो तो भी गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि फायदा हुआ, क्लियर हुआ। तो बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये वो ट्रांजेक्शन है जिनमें कंसीडरेशन एबसेंट है, तो एग्जाम के लिए भी आपको ये याद रखना, कल एग्जाम में आया कंसीडरेशन नॉट चार्ज, जैसे ही नॉट चार्ज लिखा हुआ दिमाग दौड़ाना क्या ये वो ट्रांजेक्शन है जो क्लॉज सी में पढ़े थे। अगर दिमाग आंसर देता है हाँ ये उनमें से ही एक है, जब तो कहना कि नहीं सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, और आप क्लियर हो गए नहीं ये ट्रांजेक्शन उन चारों में कवर नहीं है, चारों में कवर नहीं है तो सीधी सी बात है जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप ए से भी बच चुके हो, बी से भी बच चुके हो और सी से भी बच चुके हो, है ना। तो पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, जिस ट्रांजेक्शन में बिना पैसे भी जीएसटी लगना है, एनी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। समझ में आ रहा है, एनी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट क्या मतलब हुआ इसका, सुनो। आप लोगों को याद होगा मैंने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ा था मैंने, अगर मैंने मेरे कोचिंग में लगा हुआ एसी बेचा
तो कोचिंग का एसी भी बिजनेस का पार्ट कहलाता है। अब आपको पुरानी वीडियो देख लेना, थ्योरी पीडीएफ आपके पास है, उसमें से ढंग से वापस देखना। बिजनेस के डेफिनेशन में क्लॉज ई था, जिसमें था कि अगर मैं अपने इस ट्यूशन के लगे हुई एसेट को या एसी को बेचूंगा तो क्या लगेगा? जीएसटी, क्योंकि वो बिजनेस प्लस कंसिडरेशन है। अब अगर एग्जाम में ये आता है कि मेरे ट्यूशन में लगे हुए एसी को मैंने किसी को बेचा है बिना पैसों के, तो भी गवर्नमेंट कहती है बिना पैसों में बेचा तो एसी कौन बेचता है? कोई ना कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, इस एसी पे क्रेडिट का फायदा लिया गया। क्रेडिट क्या होते हैं ये आगे समझाऊंगा मैं। इस एसी के ऊपर जो टैक्स दिया गया है उसका फायदा उठा लिया और एसी घर पे भेज दिया, एसी अपने दोस्त के दे दिया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, बहुत सिंपल वे में क्या याद रखना है, ट्यूशन में लगा हुआ, ट्यूशन में या बिजनेस के अंदर जो भी आपकी एसेट है, अगर उस एसेट को पैसों में किसी को दोगे तो क्लॉज ए लगेगा। याद आ रहा है क्लॉज ए, सिंपल है, बिजनेस प्लस कंसिडरेशन। और अगर उसी एसेट को फ्री में दोगे तो ये मत समझना क्लॉज ए से बच गए, आपको कौन फसल देगा, क्लॉज सी। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, मेरी बात सुनो। एग्जाम्पल लेता हूं एक ज्वेलर का। एक ज्वेलर है, वो ज्वेलर क्या अब मन बना चुका है कि अब अपनी शोरूम वगैरह बंद करे, तो शोरूम के अंदर जो उसकी ज्वेलरी है वो उसकी एसेट नहीं है, क्या स्टॉक है। अगर उस ज्वेलरी को वो पैसों के बदले बेचेगा तो क्लॉज ए, और अगर उसी ज्वेलरी को किसी को फ्री में दे देगा तो क्लॉज सी नहीं लगेगा, क्योंकि वो एसेट नहीं, फ्री में क्या दे रहा है, स्टॉक दे रहा है। स्टॉक फ्री में दो तो वो कहां क्लॉज ए में कवर है। लेकिन उसी ज्वेलर ने अपने शोरूम में लगे हुए एसी को किसी को फ्री में दे दिया, फ्री में इनकी वजह पैसे में देता तो क्लॉज ए, वो तो पैसों में हो तो क्लॉज ए ही लग रहा है, फ्री में दिया तो उसके लिए क्लॉज सी है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि फ्री में एसेट किसी को भी दो, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, जीएसटी लगेगा। लेकिन स्टॉक किसी को फ्री में दो, तो फिलहाल मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं बताया आपको जिसमें यह हो कि स्टॉक किसी को फ्री में दिया तो जीएसटी लग जाएगा। और मैंने यहां कहीं भी नहीं लिखा रिलेटिव, इसका मतलब एसेट पैसों में देना क्लॉज ए, एसेट फ्री में देना क्लॉज सी। किसको दी ये देखो ही मत, दे दी लगा दो जीएसटी। क्लियर? सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, ये स्टॉक पे भी लग जाएगा, सब पे लगेगा। ये क्या कहता है, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ बच्चों, अगर मैं, आप जैसे मेरा बिजनेस है ट्यूशन का प्लस स्टेशनरी की भी मेरी शॉप खोली हुई है ताकि नोट्स वगैरह किताबें आपको बेच सकूं, अगर वो नोट्स या वो मैंने ट्यूशन जो है किसी अनरिलेटेड, मतलब आप में से किसी बच्चे को फ्री में दे दी नोटबुक, फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया, कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन वही गुड्स या सर्विस किसके किसको दी, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट, तो जानने मतलब है डेफिनेशन, दो डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, ये रिलेटेड और डिस्टिंक्ट कौन होता है। अगर किसी भी दुकान वाले ने अपना सामान किसी रिलेटेड या डिस्टिंक्ट को दे दिया बिना पैसों के भी, तो भी जीएसटी लगेगा। पैसे में दिया तो क्लॉज ए और फ्री में दिया तो क्लॉज सी। लेकिन क्लॉज सी कब, जब सप्लाई किसके बीच में हो, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट, और पैसे नहीं लिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई भाई है, आपने अपने भाई को बोला कि भाई तेरे घड़ी में, हाथ में घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने हाथ और दुतारी वाल का ले जा। अब आपने अपने रिलेटिव को फ्री में दे दी वो तो घड़ी, अब आप सोच रहे हो जीएसटी लगाऊं, लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिजनेस थोड़ी था आपका। लेकिन वही भाई आपका, आपकी वॉच का, आपकी शॉप है, वॉच की शॉप में वो आ गया कि भैया मेरा बर्थडे है, एक वॉच तो गिफ्ट करो, आपने अपने शोरूम से निकाल के दे दी, वहां क्या लग जाएगा जीएसटी, क्योंकि उधर वो भाई आपका रिलेटेड या डिस्टिंक्ट में कवर है। तो बच्चों इस बी पॉइंट के लिए अपन पढ़ते हैं ये रिलेटेड और डिस्टिंक्ट कौन होता है। पहले रिलेटेड पढ़ते हैं फिर डिस्टिंक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सारी डेफिनेशन बहुत काम की है तरीके से आपके नोट्स में दी हुई है, उसे अच्छे से पढ़िए। रिलेटेड कौन है, फर्स्ट पॉइंट, वेयर सच पर्सन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्संस। लीगली रिकॉग्नाइज्ड मतलब बेस्ट एग्जांपल है पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म के जो भी पार्टनर्स होता है, पार्टनरशिप डीड बनती है ना, उस डीड में जो भी पार्टनर्स है
वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, उन्हें लॉफुली आपस में लीगली उनका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसे लोग जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन। बेस्ट एग्जांपल पार्टनर्स ही रहेगा, सेम फर्म के दो पार्टनर्स हैं तो वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्संस कहलाएंगे। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर हूं, ठीक है, मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, और जिस कंपनी, जैसे अंबानी हो गया, मुकेश अंबानी अपनी कंपनी से एक फ्री में सिम ले लेता है और कंपनी उनसे सिम के कोई चार्जेस नहीं लेती, तो गवर्नमेंट कहती है अंबानी जो है वो डायरेक्टर है, इसलिए क्या कहलाएगा? रिलेटेड। सिंपल सिंपल मीनिंग है। थर्ड पॉइंट, ये बहुत काम का मीनिंग है। तीसरा बंदा कब रिलेटेड कहलाएगा? एक तो हो गया लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, एक हो गया ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स, और एक तीसरा है पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड वेयर द अमाउंट ऑफ गिफ्ट एक्सीड बाय 50,000। बहुत अच्छे से समझना, दिवाली का टाइम आ रहा है बच्चों, अब मेरी बात सुनो। आप एक कोई बंदा है वो एक्टिवा के शोरूम में काम करता है, एक्टिवा के शोरूम मालिक ने इस बार कहा है मैं अपने सारे एम्प्लॉयज को एक्टिवा, एक्टिवा एसेट नहीं है, एसेट अपन लिए हो सकती है लेकिन शोरूम वाले के लिए एक्टिवा क्या है? स्टॉक है। उसने क्या बोला कि इस बार मैं जो एक्टिवा है अपने एम्प्लॉयज को फ्री में गिफ्ट करूंगा एज ए दिवाली बोनस। तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं। इधर सुनो, एक शोरूम के मालिक ने 10 एक्टिवा फ्री में दी, इससे बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर होगा, 10 में से ये 10 एक्टिवा फ्री वाली है, पैसों में दी तो सब पे जीएसटी लगेगा, 10 में से 4 एक्टिवा अपने रिलेटिव को दी, 2 एक्टिवा कोई बोनस कूपन वूपन में जीत गया था वो अनरिलेटिव को दी, ठीक है, 4 एक्टिवा जो है, तीन एक्टिवा जो है वो 3 एक्टिवा अपने एम्प्लॉय को दी। और अब मेरी बात सुनना, ये जो 3 एक्टिवा दिए अपने एम्प्लॉय को इसकी रेट है 55,000, और एक जो एक्टिवा बच गई वो भी अपने एम्प्लॉय को दिए उसकी वैल्यू है 49,000। ठीक है, मेरी बात सुनो, टोटल एक्टिवा फ्री में कितनी दी? 10 एक्टिवा जो अपने अनरिलेटिव को दिए, 10 में से जो 2 जो अनरिलेटिव को दिए उस पर क्लॉज सी एप्लीकेबल नहीं है, तो इन 2 एक्टिवा पर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। ये 4 एक्टिवा किसको दी? अपने रिलेटिव को, रिश्तेदार। देखो ये है रिलेटेड, ये है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार, रिलेटेड मतलब होता है कोई ना कोई आपका रिलेशन होना, ठीक है, रिलेटेड का एक सब पार्ट है रिलेटिव, समझ में आया? वाइडर सेंस में रिलेटेड को यूज करना है, रिलेटेड के अंदर 5-4 कितने मीनिंग हो रहे हैं? 6 चीजें किसमें आती है? रिलेटेड में, और उसका एक एग्जांपल है रिलेटेड। तो बाप ने अपने बेटे को एक्टिवा 4 एक्टिवा फ्री में दे दी, ठीक है, फ्री में दे दी तो जीएसटी लगेगा, यहां एक्टिवा कितने रुपए की है देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर, अनरिलेटेड को दी नहीं लगेगा। अब बात आती है एम्प्लॉयज को दी, एम्प्लॉयज को दी तो एम्प्लॉयज कब रिलेटेड कहलाएंगे? बात अच्छे से समझना, जब कहलाएंगे जब वो गिफ्ट होगा उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा। इसका मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपने स्टॉक में से निकाल के कोई गिफ्ट करता है, कोई चीज गिफ्ट करता है जिसकी वैल्यू 50 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को गवर्नमेंट रिलेटेड कब मानेगी? जब अमाउंट ऑफ गिफ्ट 50 से ज्यादा। तो इन फाइनली एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, तो आंसर क्या रहेगा? 3 एक्टिवा पर लगेगा, एक इस 49 वाली पर नहीं लगेगा, अनरिलेटेड पर नहीं लगेगा और रिलेटेड पर लगेगा, और यहाँ कितने रुपए की है देखने की जरूरत नहीं है, ये 50,000 का अमाउंट का जो बेनिफिट है ये केवल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशन में। क्लियर, 3 पॉइंट हो गए रिलेटेड के, तो पहला हो गया लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, दूसरा हो गया डायरेक्टर, तीसरा हो गया एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई जब गिफ्ट 50 से ज्यादा हो, चौथा अगर आपने एक दूसरे की कंपनी में 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स ले, मतलब
मेरी कंपनी ने सामने वाली कंपनी का 25% या उससे ज्यादा का शेयर होल्ड कर रखा है, तो हम दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रिलेटेड, या तो मैंने या उसने, कोई भी हो, क्लियर। 25% और मोर से ज्यादा शेयर होल्डिंग हुई तो हम लोग रिलेटिव कहलाएंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है, इन दोनों का मालिक सी लिमिटेड है, जो सी बोलता है वो ए और बी करते हैं, एग्जाम में आएगा, दे बोथ आर कंट्रोल फ्रॉम द सी लिमिटेड, तो फिर ए और बी को भी क्या मानोगे, रिलेटेड, और रिलेटेड मानोगे तो अब अगर ए बी को कोई चीज फ्री में देगा तो भी जीएसटी लगेगा, क्लियर। और लास्ट, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली है, सेम फैमिली का मतलब होता है, आपके नोट्स में दिया हुआ है, फादर मदर भाई बहन बच्चे, जो एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते हैं, बेस्ट, जो परिवार एक ही घर में रहता है उसको फैमिली माना जाता है, और फैमिली में बाप बेटे को कुछ दे रहा है, भाई को कुछ दे रहा है, बहन को कुछ दे रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, रिलेटेड। और अगर भाई ने बहन को अपने शोरूम में से एक ज्वेलरी का गिफ्ट कर दिया, एक गोल्ड चेन गिफ्ट कर दी, तो उस केस में वो रिलेटेड कहलाएंगे, और रिलेटेड कहलाएंगे तो क्या लगेगा, जीएसटी, क्लियर हुआ। लेकिन मदर ने अपनी बेटी को एक गोल्ड चेन गिफ्ट कर दी, मदर का कोई शोरूम नहीं है, समझ में आया, तो वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर। तो शायद रिलेटेड मतलब समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ ये। अब मैंने क्या लिखा है, या तो रिलेटेड हो या क्या हो, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के अंदर भी फ्री में ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगता है। अब डिस्टिंक्ट मतलब क्या, डिस्टिंक्ट मतलब क्या बच्चों, यहां एग्जांपल से समझो, डिस्टिंक्ट मतलब अगर एक इंसान के दो या उससे ज्यादा बिजनेस प्रीमाइसेस हैं, ऑफिसेस हैं, जिनका उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा रखा, मतलब ये दोनों फर्म्स एक्स लिमिटेड की है लेकिन दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो एक्स लिमिटेड अपने आप में क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट। अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम होता तो खुद ही को कुछ चीज बेचने पर जीएसटी नहीं लगता, तो कब लगेगा, जब एक ही बंदे ने अपने दो बिजनेस प्रीमाइसेस या ऑफिस के सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, तो गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट वाला अगर इसको ये कोई चीज फ्री में दे देगा, स्टॉक वगैरह, तो क्या लगेगा, जीएसटी, क्लियर। शायद दो पॉइंट खत्म हो गया ये। थर्ड, अब सिंपल सिंपल है, थर्ड चीज जो क्लॉज शेड्यूल वन में कवर है, पहली क्लियर हो गई, बिजनेस एसेट किसी को भी फ्री में देना, स्टॉक या सर्विस रिलेटेड या डिस्टिंक्ट को ही फ्री में देना, वो भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल टू एजेंट और फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल, बच्चों किसी भी शोरूम में आप चले जाओ, कंसाइनर एंड कंसाइनी कंसाइनर एंड कंसाइनी क्लॉज सी में कवर होंगे, कंसाइनर कंसाइनी बोल लो, फ्रेंचाइजी बोल लो, प्रिंसिपल एंड एजेंट बोल लो। बच्चों क्या होता है, किसी भी शोरूम में आप चले जाओ, जोधपुर के किसी भी शोरूम में जाओ, उसको बोलोगे कि ये सारे के कार के शोरूम में गए, उसके वहां पे 20 कारें रखी हुई, आपने बोला ये 20 कार आपने खरीदी है, शोरूम वाला क्या, नहीं नहीं, ये कार कंसाइनमेंट बेसिस पे हमारे पास आती है, हम इसको आपको बेचते हैं और बीच में हमें कमीशन मिलता है, हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। कंसाइनी ने क्या बोला, कोई पैसे देने नहीं पड़ते कंसाइनर को, फ्री में आती है, बेचकर कमीशन ले लेते हैं, तो फ्री में आती है, तो कंसाइनी ने कहा हम तो जीएसटी नहीं देंगे, गवर्नमेंट कहती है देना पड़ेगा क्योंकि आप शेड्यूल वन के क्लॉज सी में करो, क्लियर। तो पॉइंट नंबर सी भी समझ में आ गया, प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशन। और फोर्थ है, देखो वापस वही, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इस लाइन की यूटिलिटी को कम मत करना, अब मेरी बात ढंग से समझना, मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ नोट्स में, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं, देखो याद समझिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है, प्लस बिजनेस, कौन सा क्लॉज, ए, क्लॉज ए में पढ़ा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन, बिजनेस वर्ड एब्सेंट है तो क्या हुआ, एब्सेंट है, क्लॉज बी, बी ने मार दिया, इन दोनों में कॉमन क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या लेना, कंसिडरेशन, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस ए से भी बच गई और बी से भी, क्लॉज सी ने मरवा दिया इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बट फ्रॉम रिलेटेड पर्सन,
इन द कोर्ट्स ऑफ वेलनेस। ठीक है, ए और सी में फर्क क्या दिख रहा है? ये भी इंपोर्ट, ये भी बिजनेस, या कंसीडरेशन है या कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन किसके साथ? रिलेटिव के साथ। तो फिर क्या लगेगा? जीएसटी। क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर अब आप सोच रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक छोटी सी चीज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे अगर मैं बोलूं जीएसटी कब नहीं लगेगा, तो एक ही केस में नहीं लगेगा। वो केस कौन सा है? अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिना पैसों के इंडिया में आती है, वो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन। ये आप अपनी नोटबुक में अलग से लिख भी सकते हो, क्योंकि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में पैसे लिए तो क्लॉज ए या बी 100% फंसोगे, पैसे नहीं लिए तो भी डर की बात क्या है, अब भी एक है, पैसे नहीं लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, तो उस केस में अगर बिजनेस प्लस रिलेटेड निकल गया तो फिर आप क्लॉज सी में फंस गए। तो बचा कब इंपोर्ट ऑफ सर्विस? पैसे नहीं लिए और सामने वाला रिलेटिव भी नहीं है, ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्लियर? ठीक है, तो ये चार पॉइंट हो गए बच्चों, ये आपका हो गया शेड्यूल वन। तो वापस बोल रहा हूं, शेड्यूल वन में कैपिटल गुड्स किसी को भी फ्री में देने पर जीएसटी लगता है। गुड्स या सर्विस जो उसमें आप डील करते हो वो रिलेटेड या डिस्टिंक्ट को फ्री में देने पर जीएसटी लगता है। प्रिंसिपल एजेंट को दे, एजेंट प्रिंसिपल को कोई चीज फ्री में दे, तो जीएसटी लगता है। और चौथा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड पर्सन से आती है बिना पैसों में, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो जीएसटी लगेगा। ये ट्रांजैक्शंस किसके थे? क्लॉज सी के। और रिलेटेड और डिस्टिंक्ट मतलब समझ ही लिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्लॉज ए बी सी। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 खत्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 सबसेक्शन 1A। 1A क्या होता है ये भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन सप्लाई में क्या क्या आता है वो लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, क्लियर? चलिए।